हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं एगेरा 2024 ऑनलाइन एग्री स्टडी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी कैटेट यूपी बोर्ड आर्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होगा। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि विभाग में विभिन्न योजनाएं। कृषि में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की योजनाएं आई जो हमारे यूपी कैटेट या इसमें पूछी जाती हैं आईसीआर एग्जामों में, आइए हम आज उनको पढ़ते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि हमारा वीडियो सभी तक पहुंचे और सभी इस प्रकार के टॉपिक्स का, इस प्रकार के सिलेबस का आनंद ले सकें और इस प्रकार के क्वेश्चनों का पढ़ सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली योजना आई SHCS, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें क्या होता है, इसका शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ श्रीनगर में लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, मृदा नमूने का वजन 500 ग्राम होता है। हमें याद रखने वाला मेन पॉइंट हमारे पास याद रखने वाले ये है कि सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम कब आई, 19 फरवरी 2015 को। अगली योजना आई PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह सिंचाई से संबंधित है, जल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई। वहीं पर इसमें एक इन्होंने नारा दिया, एक पॉइंट दिया, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कि एक कम से कम सिंचाई में अधिक से फसलें उगाएं, मतलब कि एक एक ड्रॉप अगर पानी लगाएं तो उससे मोर क्रॉप्स उगा सकें। इसका एक ये कोटेशन दिया गया कि मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप्स। इसकी शुरुआत कब हुई, 1 जुलाई 2015 को। इसकी PMKSY की, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। अगली है, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हमारे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। ये इसमें जो प्रीमियम दरें हैं, इसमें जो दरें हैं बीमा की, जो दरें हैं वो खरीफ फसलों के लिए 2% दर है और रबी फसल के लिए 1.5%, और व्यावसायिक या उद्यान की फसलों के लिए 5%। व्यावसायिक मतलब उद्यान की मतलब बागवानी फसलें, फ्रूट और वो मसाले वाले जो फसलें हैं उनके लिए 5% दर है, और रबी फसलों के लिए 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2%। तो हमें इसमें मेन मेन पॉइंट ये याद रखना है कि हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई, 18 फरवरी 2016 को आई। इसमें मेन पॉइंट हमारे पास यही है। और अगली योजना है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, परंपरागत कृषि योजना का, कृषि विकास योजना का, जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक राज्य कौन कौन से उस समय घोषित किए गए, सिक्किम और डूंगरपुर राजस्थान। डूंगरपुर एक राजस्थान का शहर है जो राजस्थान में है, और सिक्किम, इन दोनों को जैविक राज्य घोषित किया गया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैविक खेती को बढ़ावा देना। वहीं पर हमारी अगली आती है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये भी एक योजना है जिसके तहत हमारी उच्च शिक्षा, एग्रीकल्चर शिक्षा है जो कृषि शिक्षा है, उसको बढ़ावा देना था। इसमें क्या है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा का परियोजना, मतलब कि जो बीएससी लेवल की जो शिक्षा है एग्रीकल्चर की, उसको बढ़ावा देना, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर में नए नए स्टूडेंट आए और नए नए खोजे करें। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2017 को की गई। ये ICAR व विश्व बैंक दोनों की परियोजना है। जो हमारा ICAR है, एग्रीकल्चर का जो मेन सेक्टर है, ICAR और विश्व बैंक, इन दोनों ने मिलकर इस योजना को स्टार्ट किया। किसकी, नेशनल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोजेक्ट। हमारी अगली योजना आती है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसकी शुरुआत 2007 को हुई थी। ये कब आई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा इसमें एक ही पॉइंट बनता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई, 2007 को, और कब, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आई। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला है NFSM। NFSM क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसकी शुरुआत 2007 को हुई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी
इसकी शुरुआत कब हुई? 2007 को। आत्मा, ये बहुत बार यूपी गणित में पूछा जा चुका है, आईसीए एग्जाम पूछ। आत्मा ATM है, इसके शॉर्टकट में इसको आत्मा बोलते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसकी शुरुआत कब हुई? 2005 को हुई। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। जो ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, ये एक एजेंसी होती है जो एक जिले में या उस जिले में व्यवस्थित की जाती है। कब शुरुआत की गई थी? 2005 में। और इसका अध्यक्ष कौन रहता है? जिला का कलेक्टर होता है, अगर वो नहीं है तो जिला का मजिस्ट्रेट होता है इसका अध्यक्ष। हमारी नहीं, वहीं पर अगली अगली आती है NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम क्या है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ऐसी से हमने भी एक पढ़ी थी, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, और ये है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। दोनों, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो कि इनकी शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1999 में हुई। एक हमारा ये एक आता है किसान क्रेडिट कार्ड, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसकी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? 1998 में हुई थी। किसान क्रेडिट की शुरुआत कब हुई? 1998। सबसे पहला किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा बनाया गया? SBI बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया सबसे पहला के किसान क्रेडिट कार्ड। वहीं नाबार्ड, नाबार्ड द्वारा ब्यौरा बनाया गया। जो ये किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है, इसका जो ब्यौरा तैयार किया, इसे नाबार्ड ने बनाया था। इसने नाबार्ड ने बताया कि इस प्रकार का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाए। किसान क्रेडिट की मान्यता 3 साल तक, जब जब किसान एक बार अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है तो वह 3 साल तक मान्य रहता है, उससे 3 साल तक लोन ले सकते हैं, उसके बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है दोबारा से। और किसान क्रेडिट पर ब्याज दर 4%, जब हम किसी किसान क्रेडिट के तहत जब ब्याज लेते हैं तो हमें उस पर 4% का ब्याज लगता है। अगर आपको ये पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसकी किसकी सिफारिश से आई थी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना इसका जवाब अगले वीडियो में आपको हम देंगे। वहां पे हमारा अगला आया MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। हमें इतना याद रखना है कि MIDH कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। और ATICE, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सेंटर, 1998 में स्टार्ट हुआ। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम ये जो है हमारी हरित क्रांति इसी के तहत आई थी। इसमें क्या था, हमारे हमारे देश में विदेश से मैक्सिको से अधिक अधिक से हाई यील्डिंग वैरायटी का इंट्रोड्यूस हुआ। अधिक उत्पादन वाली किस्में भारत में लाई गई, धान की, गेहूं की, मक्का की। ये तीन मेन क्रॉप हैं जिनकी बाहर से हमारे इंडिया में वैरायटियां लाई गई। किसकी? एक हुआ गेहूं, एक हुआ धान और एक हुआ मक्का। ये कब शुरुआत हुआ था? 1966-67 में। इसी समय पे हमारे भारत में हरित क्रांति भी आई थी। जब हाई यील्डिंग वैरायटियां हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई, हमारे देश में आई, तो उन्होंने अच्छे से अच्छा उत्पादन दिया और उसी को नाम दे दिया गया हरित क्रांति। ये लिखा देखिए, हरित क्रांति इस कार्यक्रम के दौरान आई थी। अगला आता है ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नाम एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर मार्केट है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसमें क्या होता है, एक देश एक बाजार। इसमें एक उन्होंने कोटेशन दिया कि एक देश एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, इसे नाम दिया गया ई नाम। नाम का मतलब क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ई का मतलब इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का। एक हमारा प्रोग्राम चला था लैब टू लैंड प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1969 को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई? 1979 को हुई थी। इसको ICAR के गोल्डन जुबली वर्ष को लॉन्च किया गया था। ICAR जो है, इसका जो एक गोल्डन जुबली वर्ष मनाया जाता है, उस दिन लैब टू लैंड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अगर आपको ICAR का जुबली वर्ष पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना हम आपकी अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। और आप ये भी बताइएगा कि ICAR की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। वही हम चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नामसा, NAMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। ये इस समय इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर, इसलिए हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये हमारे को पेपर में आ सकता है। ये कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। क्या स्टार्ट हुआ? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब होता है एक निश्चित निश्चित तौर निश्चित स्थिति के साथ एक
ऐसी लय के साथ हमें खेती करना कि हमारे दर पदर बढ़ती रहे और हमारी जो उसके उत्पादन है वो हमारा कम ना हो कभी भी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसी से संबंधित है कि हम इस प्रकार की खेती करें, इस प्रकार के इक्विपमेंट या इस प्रकार के उसमें पैसे या कुछ भी लगाएं कि हम जो खेती कर रहे हैं जितना हमें उत्पादन मिल रहा है वो कम ना हो और हमारा और बढ़ता रहे। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ खेती, वो हमारी जो खेती जो उत्पादन है वो टिका रहे, इसे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। हमें इसको याद रखना क्योंकि इस समय इस बहुत जोर दिया जा रहा है, तो ये पेपर में आने वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। और ये हमारा कहा था स्किल इंडिया। स्किल इंडिया एक प्रोग्राम किया गया था, इसे ये मार्च 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो यही हमारे कुछ मेन मेन पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट 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 ये स्कीम थी, इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो कृषि संबंधित थी। ये यूपी कैटेट या ICAR में सीधे सीधे पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, तो अब ये याद रखिएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस प्रकार के टॉपिक हम लाते रहेंगे अगले आगे भी, और हम आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों को बताइए कि एग्री 2024 पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, यूपी को यूपी बोर्ड यूपी कैटेट आदि की तैयारी करवाई जाएगी। आप हमसे जुड़िए और अपने परीक्षा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।